आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये झूठे सपने दिखा रहे हैं। स्वामी, ये जो टैक्स की आप बातें कर रहे हैं ना, वन टैक्स लगेगा, उससे डीजल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि स्वामी जी को कोई ये कहे या आयुर्वेद की दवाइयां बनाना, योग सिखाना, ये ठीक काम है, ये गलत चक्कर में पड़ गए, अर्थशास्त्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ठेकेदारी ले रखी है। ये मतलब कुछ लोगों ने सोच रखा भाई हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा बात ही नहीं करेगा, एकाधिकार बना रखा। उन्होंने कहा धर्म में ठेकेदार बने हुए, अगर ऐसी कुछ लोग धर्म के क्षेत्र में ठेकेदार बने हुए, कुछ लोग राजनीति के क्षेत्र में ठेकेदार बने हुए, कुछ लोग आर्थिक विषयों में ठेकेदार बने हुए। जो मैं बात कह रहा हूं वो लॉजिकली, साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली एकदम फिट है। यदि मैं कहीं गुनहगार हूं तो आप मुझसे प्रश्न पूछिए। उन्होंने कहा कि अगर ये वन टैक्स का फॉर्मूला लागू कर दिया तो देश पुरानी वैदिक व्यवस्था में चला जाएगा, प्राचीन काल में चला जाएगा। अच्छा, हिंदुस्तान ऋषियों का देश बने ये इनको मंजूर नहीं, राक्षसों का देश बनाना है इसको। 18वीं शताब्दी तक, रजत जी वैदिक काल की तो बात छोड़िए, 18वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया के इतिहासविद इस बात को कहते हैं भारत की करीब 25% विश्व की अर्थव्यवस्था में भागीदारी थी, 25-30% हमारा एक्सपोर्ट था। अरे पुराने जमाने की बात छोड़ो, 1978 के मेरे पास में डेटा है, जो है उस समय चीन की और भारत की जीडीपी दोनों की बराबर बराबर थी, करीब 13 लाख करोड़ रुपए की, और दोनों का एक्सपोर्ट करीब करीब बराबर था। आज चीन पहुंच गया 150 लाख करोड़ से ज्यादा और हम 20 लाख करोड़ भी नहीं पहुंचे। आज हिंदुस्तान को गर्त में डाल दिया। जो मैं काम कह रहा हूं उसको कर लीजिए, हिंदुस्तान चीन और अमेरिका से भी आगे होगा। अब मैं आपके उस फॉर्मूले की बात करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगेगा, एक ही टैक्स होगा, न सेल्स टैक्स होगा न एक्साइज होगा, सारे टैक्स खत्म, एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स होगा, वो भी जो रिसीव करेगा उसके ऊपर होगा, टर्नओवर पर नहीं होगा। अब इसमें एक खास बात मैं बताना चाहता हूं भैया, पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है, अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, कोई भी देख सकता है, इंटरनेट पर सब बच्चे पढ़े हुए हैं। और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा, भारत के भविष्य का निर्णय हो रहा है और उसमें 60% से जवान है, आज आपने आपकी अदालत में जवानों को बुला करके भी बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं रजत जी, अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है, यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। आप ऐसा करते हमारे रजत जी को आज की अदालत चलाने देते हैं, गवर्नमेंट अपन बनाते हैं। और अच्छा अगली बात सुनो स्वामी जी, ये जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हमने पढ़ रखा। रजत जी एक बार सुनो, देखो ये जो अर्थशास्त्री है ना, ये देश का व्यापार नहीं चलाते, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वाशिंगटन कॉन्सेंसस की, ये सेंसेक्स और एफडीआई की गुलामी कर सकते हैं। याद रखो, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिस्ट नहीं चलाते, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस देश के 125 करोड़ लोग चलाते हैं। ये लोग नीतियां बनाने के लिए चलते हैं। स्वामी जी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था देश का गरीब मजदूर किसान कारीगर इंडस्ट्रियलिस्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ, वो देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है, और हम उसमें कोई सुझाव दे रहे हैं तो हमको जो है पुराने जमाने का आदिवासी बता दिया। आपकी जानकारी नहीं है। अच्छा, हमारी कौन सी जानकारी नहीं, आप बताओ, मैं हर एक उत्तर देता हूं। आप कह रहे हैं कि टैक्स लगेगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे, लेकिन आप यदि आज हार गए ना, हाँ, तो अगली बार मैं उधर होऊंगा और आप इधर बैठेंगे। आप सवाल हार जीत का नहीं है, मेरा तो काम है सवाल पूछना, और कठिन सवाल पूछूंगा।
आप कह रहे हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर होगा। हाँ। इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं है। 60 करोड़ लोगों के पास में, अरे सुनो ताली बजाने से पहले बोलो, 60 करोड़ लोगों के पास में खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी पूरी नहीं है, बैंक ट्रांजैक्शन कहां तक करेंगे। जिनके पास में पैसा ही नहीं है उनका ट्रांजैक्शन कहां से करवाओगे। मैं कहता हूं उनके पास में भी पैसा आ जाएगा और 5 साल में उनके खाते भी खुलवा देंगे और पैसे से भरवा देंगे। स्वामी जी, 3 लाख गांव ऐसे हैं जहां पर बैंक नहीं है। उन गांव में जो लोग रहते हैं जिनका खाता नहीं है, जिनका अकाउंट नहीं है, वो अर्थव्यवस्था से बाहर कर देंगे उनको। पैसे भी तो ज्यादा नहीं है ना उनके पास, उनके ऊपर टैक्स हम लगाना ही नहीं चाहते। मेरे 3 प्रपोजल आप टैक्स क्यों नहीं लगा रहे? आप इसके हिसाब से सब पर टैक्स लगेगा, जो किसान जिसको आज टैक्स देना पड़ता है। अभी जो आप बात कर रहे हो ना, दरअसल भ्रांति कहां से हुई है, ये प्रपोजल अर्थ क्रांति के लोगों ने तैयार किया था। मैंने अर्थ क्रांति की पूरी वेबसाइट को पढ़ा है। अरे उसमें जो है भ्रांति क्रांति होगी आपको, माने उसमें क्या है, देखो अर्थ क्रांति के अच्छे लोग हैं, उन्होंने एक विषय में सोचा, अर्थ क्रांति का और हमारा एक विचार समान है, बड़ी करेंसी वापस लो और एक ट्रांजेक्शन टैक्स लगाओ, जिससे कि जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन हो वो ट्रेसेबल हो, सिंप्लीफिकेशन हो, और एक मजदूर और किसान पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, टैक्स जो है वो स्लैब में लगना चाहिए, एक जैसा टैक्स नहीं होगा, टैक्स होगा ट्रांजेक्शन टैक्स ही, लेकिन उसमें स्लैब्स होंगे। गरीब आदमी को पर भी उतना ही टैक्स लगेगा, अमीर आदमी पर मैं कह रहा हूं होगा ही नहीं ना, गरीब और किसान पर टैक्स होगा ही नहीं, उसको तो पैसे मिलेंगे, ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे कि उसके जीवन में भी समृद्धि आए, उसको महंगाई से मुक्ति मिलेगी। जितना ज्यादा टैक्स होगा, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अब जैसे आप लोगों को पेट्रोल सस्ता मिलेगा, डीजल सस्ता मिलेगा, गैस सस्ती मिलेगी, साबुन शैंपू टूथपेस्ट सस्ता मिलेगा, इस पर 12% टैक्स होता है। कुछ लोग इस देश में झूठ बोलने का ठेका ले रखा है कि 3 से 5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, बाकी इस देश के 120 करोड़ लोग टैक्स ही नहीं देते। आप लोग साबुन खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, उसमें टैक्स लगता है कि नहीं है। कितना परसेंट लगता है? 12% कम से कम। तो कौन कहता है हिंदुस्तान के आदमी टैक्स नहीं देते? तो हम तो कहते हैं ये टैक्स भी नहीं देने पड़ेंगे, जो आज टैक्स देने पड़ रहे हैं ये भी नहीं देने पड़ेंगे, और बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स भी गरीब को किसान को नहीं देना पड़ेगा, और जो हमारी अर्थव्यवस्था से जो बाहर पैसा पड़ा है, जो करीब 10 लाख करोड़ रुपए भरी 500,000 की करेंसी में, और इसके अलावा भी जो और मैंने कहा करीब 9 लाख करोड़ रुपए कंपनियों का रिजर्व पड़ा, वो लगाने नहीं चाहते क्योंकि टैक्स सिस्टम बहुत खराब है, पूरी वर्ल्ड की एजेंसियों की रिपोर्ट है। आप रुकिए, आप मेरा देखिए, पहले सुनिए आप मेरी बात। आप कह रहे हैं कि चीजें सस्ती हो जाएंगी। हाँ, होंगी। कुछ टैक्स ऐसे लगाए जाते हैं जो लोग चाहते हैं कि वो लोग उनका इस्तेमाल ना करें। सिगरेट पर, शराब पर भी टैक्स कम कर देंगे तो क्या होगा? देखो, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना टैक्स लगना चाहिए, बीड़ी सिगरेट पर कितना टैक्स लगना चाहिए, रियल स्टेट में कितना टैक्स लगना चाहिए, और जो जो है जो लैंड की मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर वालों पर कितना टैक्स लगना चाहिए, दारू आदि बनाने वालों पर कितना टैक्स लगना चाहिए, ट्रेडिंग वालों पर कितना टैक्स लगना चाहिए, छोटे व्यापारियों पर कितना टैक्स लगना चाहिए, सारा बना के लेके आया। ये अगर 3 चीजें आप उसमें ऐड कर देंगे तो आपका फॉर्मूला एकदम कामयाब हो जाएगा। एक मैं एक आपको छोटी सी बात कहता हूं, देखो जो ट्रेडिंग करता है 100 करोड़ रुपए का उसने टर्नओवर किया, रिसीव भी किया उसको, मैंने मैं जो है अमाउंट को रिसीव भी किया, 100 करोड़ का उसके खाते में पैसा आया, आज यदि 1% लगाएंगे तो उसको 1 करोड़ लगेगा, उसको प्रॉफिट 1% हो रहा है, तो उसको हमें 0.20 लगाना पड़ेगा। इसी तरह से यदि कोई 100 करोड़ का कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसको 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट होता है तो आज की डेट में 3 करोड़ रुपए टैक्स देता है, उसमें 2% लगाओ तो उसको 2 करोड़ देना पड़ेगा, 1 करोड़ उसका भी बचेगा, और इसमें जो है टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ेगा। मैं आपके आगे उसको बताता हूं, 5% हो तो उसके ऊपर 5% का प्रॉफिट है तो 1% लगाओ उसके ऊपर, रियल स्टेट वाले कम से कम 30% बताते हैं उसके ऊपर 6% लगाओ, जो दारू आदि बेचने वाले मैं तो कहता हूं वो उनको करीब 50% जो है मुनाफा होता है उसके ऊपर तो 40% टैक्स लगा दो, जिससे कि धंधा कम हो और लोग बर्बाद होने से बच जाए।